एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाती है, पर वो लड़की एक लड़का को नींद से जगा रही होती है और उस लड़का का नाम होता है इचिजो। और इधर वो लड़की इचिजो को बोलता है, तुम फिर से सो मत जाना, टाइम देखो। और टाइम को देखकर इचिजो जल्दी से कपड़ा को पहन कर वो रेडी हो जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है इचिजो दौड़ के कहीं पर जा रहा होता है, और उधर एक लड़की को दिखाई जाती है जहाँ पर वो लड़की एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है। और उसके बाद में दिखा जाता है इचिजो उस लड़की के पास आ जाता है, और उधर इचिजो बोलता है सॉरी मुझे लेट हो गया। और उसके बाद इचिजो एक ड्राइंग करने लगता है, अरे उस मॉन्स्टर का ड्राइंग करने लगता है। और उधर वो लड़की बोलती है कोई बात नहीं तुम जल्दी से करो। और उधर उन लोगों को कुछ लड़कियाँ देख रही होती है, और उनमें से एक लड़की को बोलती है, हे रूसन तुम क्या देख रही हो, तुम भी जाके उन लोगों को मदद करो। और ये सुनकर एक लड़की बोलती है वो उनमें एक्सपर्ट है, रुको मैं उन लोगों को पूछ लेती हूँ। और ये बोलकर वो उन लोगों को पूछती है क्या तुम लोगों को कुछ हेल्प चाहिए। और उस मॉन्स्टर के साथ जो लड़की लड़ रही होती है वो लड़की बोलती है तुम लोग अब देखो मैं क्या एटैक करती हूँ। और ये बोलकर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एटैक कर देती है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर उस लड़की को फेंक देती है। और इधर वो लड़की आकर इचिजो के ऊपर गिर जाती है, और स्कूल के सारे बच्चे उन लोगों को देख रहे होते हैं। और तभी वो लड़की उस मॉन्स्टर को एक जगह पर ले जाती है, और ये देखकर इचिजो बोलता है तुमने अच्छा किया। और इसके बाद इचिजो बोलता है मेरा स्केच रेडी हो गया। और ये बोलकर वो उस मॉन्स्टर को उस स्केच पर वो कैद कर देता है। और उस लड़के के नाम है यहाँ पर पता चलता है, जब उस लड़की के नाम होती है कावाकामी। और उसके बारे में दिखा जाता है कावाकामी उस बुक को देखकर या स्केच को देखकर अपने बॉडी को छू कर कुछ जादू करने लगती है। और उसके बाद उस जादू से वो उस बुक को सू देती है, जहाँ पर वो बुक ही वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल के अंदर, जब वो टीचर उन लोगों को बोल रहा होता है, यानी कावाकामी और इचिजो को बोल रही होती है तुम लोगों को आज पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लोगों ने स्कूल का प्रॉपर्टी तोड़ दिया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लासरूम से सब लोग चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कावाकामी और इचिजो रहते हैं। और इधर कावाकामी बोल रही होती है इचिजो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लेट हो गई थे। और उसके बाद कावाकामी कुछ बोलने लगती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है इचिजो को, जब पर वो लाइब्रेरी पर जाकर कुछ किताबें पढ़ती है। और उसके बाद वो घर आते वक्त कुछ सोचकर आ रहा होता है, और तभी इचिजो नोटिस करता है वो गलत जगह पर आ पहुंचा है। और इधर वो अपने अंदर ही सोचने लगता है मैं कभी ऐसे गलत रास्ते पर नहीं आई, जब पर वो एक स्मशान पर आ पहुंचा था। और इधर वो सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो सही रास्ते से आ रहा था। और तभी उसके ऊपर जो लड़की रहती है वो लड़की एक लड़की को दिखा देती है, जब पर वो लड़की सारी चीज़ें निगल लेती है और वो सब खाकर वो बोलता है डिलीशियस। और इधर वो जगह फिर से नॉर्मल हो जाता है। और देखकर इसे उस लड़के पास आकर बोलने लगता है, हे तुमने अभी क्या क्या सब कुछ मैंने देख लिया, और हाँ तुमने तो हमारे एकेडमी के ही कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा नाम क्या है। और इधर ये सुनकर वो लड़की अपना नाम बताती है, जहाँ पर उस लड़की का नाम होती है इजुमी। और इधर ये सुनकर इसे भी अपना नाम बताता है, और हाँ क्या तुम हमारे क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो, ए फैंटम हंटिंग क्लब में। और सुनकर इजुमी बोली सॉरी अब मैं घर जा रही हूँ। और ये बोलकर इजुमी उधर से जाने लगी, और तभी वो गिरने वाली होती है, और ये देखकर इसे उसे पकड़ने वाला आता है, लेकिन इसे वह हाथ उसके बूब्स की ओर जाता है। और ये देखकर वो अपने एक हाथ को रोक लेता है, और इधर वो नीचे गिर जाता है। और इधर इजुमी उसके ऊपर गिरने वाला आता है, लेकिन इसे के साथ जो लड़की होती है वो लड़की उसे बचा लेती है। और इसे का चर इजुमी के पिछवाड़ा के पास होता है, और इधर इजुमी ये देखकर शर्मा जाता है। और इधर इचिजो बोलता है मैंने ब्लू स्ट्रिप के अलावा कुछ नहीं देखा, मुझे माफ़ कर देना। और सुनकर इजुमी उसे मार के वहाँ से चले जाती है। और उसके बारे में नेक्स्ट दिन स्कूल पर दिखा जाता है, जब और इचिजो इजुमी को बोल रहा होता है, हे तुम हमारे क्लब में आ जाओ, तुम एक फैंटम ईटर हो, तुम्हारे पास एक रेयर पावर है। और इचिजो के साथ जो लड़की होती है वो लड़की बोलने लगती है क्या तुम कल के लिए बुरे मान रही हो। और सुनकर इचिजो बोलता है तुम बिना परमिशन के क्यों बोलती हो। और इधर इसमें बोलती है कोई बात नहीं वो एक एक्सीडेंट था, और सॉरी मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती। और ये बोलकर वो उधर से जाने लगती है, और तभी इसे बोलता है रुको मैं तुम्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ हमारे स्कूल के कैफेटेरिया में। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो दोनों स्कूल के कैंटीन पर होता है, जब इसे वो इसमें को बहुत सारी चीज़ें खिलाता है। और इसमें बोलता है तुम्हारे फैंटम क्लब के बारे में मैं सुनना चाहती हूँ। और ये सुनकर इसे बोलने लगता है फैंटम का मतलब ये है कि ये एक खोज टीम है, यानी सुपर नेचुरल चीज है, और ये फैंटम ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, और इसलिए हम लोग एक क्लब बना रहे हैं, यानी सब स्कूल में एक क्लब बना रहे हैं उन फैंटम्स के साथ लड़ने के लिए जिसके पास सुपर नेचुरल पावर है, वो लोग उस उन फैंटम के साथ लड़ेगा। और ये सुनकर
इसमें बोलता है, तो रुरुचंद भी एक फ्रेंड हमें है ना? और सुनकर रुरुचंद बोलती है, हाँ लेकिन मैं एक गुड गर्ल हूँ, यानी इसो के साथ जो लड़की होती है उसका नाम होती है रूरू। और इसो जो बोलता है, वेल क्या तुम हमारे क्लब में ज्वाइन होना चाहती हो? तुम इसे एक पार्ट टाइम समझ सकते हो, तुम्हें हमारे टीचर हर रोज़ खाना खिलाएगी। और उसके बारे में दिखाया जाता है, इसे जो इजुमी को लेकर कावागामी के पास जाता है। और उसके बाद इजुमी और कावागामी बातें करने लगती है, जब और कावागामी फैंटम्स को ढूंढकर जाने की बात बोलती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है, वो लोग एक जगह पर जाते हैं और इधर कुछ फैंटम्स डांस कर रहे होते हैं और इधर वो लोग उस फैंटम्स को छुप कर देख रहे होते हैं। और उसके बाद कावागामी अपने पावर को, यानी वो कुछ मैजिक करने लगता है अपने बुक्स को शुरू कर। उसके बाद वो उस फैंटम यानी उन फैंटम्स के साथ लड़ने के लिए वो चली जाती है और इधर वो जाकर उन फैंटम्स के ऊपर अटैक कर देती है। और अभी वो फैंटम्स कावाकामी के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक कर देती है। और उसके बाद इसे जो बोलने लगता है, उन फैंटम्स के साथ लड़ने का एक रूल है, वो लोग बोल रहे हैं उन फैंटम्स के पास जो रस्सी है उस रस्सी के नीचे से हमें पार होना होगा। और ये सुनकर इसमें बोलता है, यानी वो बोलती है, इसे जो तुम बहुत स्मार्ट हो। और ये सुनकर कावाकामी बोलती है, ये हमेशा बुक से पढ़ता रहता है इसलिए वो ये सब जानता है, लेकिन लड़ाई के समय ये सब कुछ काम नहीं आएगा। और ये सुनकर इसुजु गुस्सा हो जाता है। और एक बार में दिखाया जाता है, इसुजु इजुमी और कावागामी तीनों नाचते नाचते उस तार के नीचे से पार हो जाता है और इधर उन लोगों फिर से उस तार के नीचे से जाना होता है और इधर वो तार फिर से नीचे आ जाता है और इधर ये देख कर वो लोग डर जाता है और इधर एक फिर तक उस तार के नीचे पार हो जाता है और इधर इजुमी इसुजु और कावागामी तीनों जाने लगती है और इधर इसमें नीचे गिर जाती है, यानी वो फेल हो जाती है और इसे जाने वाला था और इधर इसे का सिर तार पे लग जाता है जिसकी वजह से शॉक लग जाता है और इधर कावाकामी किस तरह से उस तार को पार कर लेती है। और इधर लास्ट स्टेप होता है जहाँ पर कावाकामी को उस तार के नीचे से आना होता है और इधर वो तार फिर से नीचे आ जाता है और इधर एक फैंटम आने वाला था, वो तभी वो फैंटम बीच से टूट जाता है और इधर कावाकामी जीतने वाली होती है क्योंकि वो अकेले थी। और इधर कावाकामी आने लगती है जहाँ पर उसका वूफ बुरे होते हैं इसलिए वो आ नहीं पाती है। और उसके बाद वो कुछ अलग सा डांस करके वो आने लगती है और इधर कावाकामी जीत जाती है। और उसके बाद इजुमी आगे चली जाती है और इधर इजुमी जाकर उन फैंटम्स को खा लेती है और ये देखकर कावाकामी बोलने लगता है, तुम तो बहुत औसम हो इजुमी, प्लीज तुम हमारे टीम पर आ जाओ। और सुनकर इधर इजुमी बोलती है, हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगी। और सुनकर वो दोनों खुश हो जाती है, यानी इजुमी और रूरू भी खुश हो जाती है। और इधर में एक जगह पर दिखाया जाता है जब पर दो लड़कियां बात कर रही होती है और इधर में दिखाया जाता है इससे जो लोग उधर ही आ रहा होता है और तभी उस रूम से उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बाहर आ जाती है और इधर वो जा रही होती है उधर और इधर वो लड़की इससे जो लोगों के पास से चली जाती है और इधर वो लोग उसे देख कर वो सोचता है, इसे तो हमें पहले कहीं पर देखा है। और उसके बाद इससे जो लोग भी उस रूम पर चले जाते हैं और यही पर एपिसोड एंड हो जाता है।